तू जबरदस्ती जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में बीती रात हुए झगड़े के दौरान 36 वर्षीय युवक की मौत का मामला गहरा गया। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को देर रात गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन अन्य दो फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। एहतियात के तौर पर शास्त्री नगर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। आक्रोशित लोगों ने बाजार बंद करवाने की कोशिश की। सुबह करीब 9 बजे टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया। दोपहर करीब 2:15 बजे जब कोई कार्रवाई नहीं होती दिखी तो आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने थाने के पास स्थित सर्किल के आसपास की दुकानों को बंद कराना शुरू कर दिया। जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू किया। इस दौरान थाने में मौजूद बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा पुलिस की इस सख्ती पर नाराज होकर थाने से बाहर आए। डीसीपी राशि डोगरा डूडी और एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह ने उन्हें रास्ते में रोकने की कोशिश की। इस दौरान राशि डोगरा से उनकी झड़प भी हुई। पुलिस के इस रवैये के विरोध में विधायक धरने पर बैठ गए। कुछ समय बाद पुलिस अधिकारियों ने मामला संभाला, तब जाकर गोपाल शर्मा धरने से उठे। वहीं सरकार और परिजनों के बीच में सहमति बन गई। पीड़ित परिवार के एक सदस्य को संविदा पर सरकारी नौकरी और डेयरी बूथ दिया जाएगा। मुआवजे की घोषणा सीएम के स्तर पर होगी। मामले को लेकर जनता दरबार पहुंचा शास्त्री नगर थाने और वहां मौजूद भीड़ से की खास बातचीत। कल रात क्या हुआ था? कल रात ये होता कि वो खाना खा रहा था, खाने खाते को किसी ने आया बुलाने के लिए, वो चला गया। गया बाहर तो गया तो कोई ऐसे निकल रहा था गाड़ी के ऊपर, तो कोई रिक्शे वाले के छींटे लग गए। अब वो बारिश का तो टाइम था, बारिश तो आई रही थी, छींटे लगे। छींटे लगने में भी इसको 8 जनों ने एकदम से घेर लिया, एकदम से तब के इस तरीके से भी इसको मारा कि वो खड़ा होने लायक नहीं रहा। वो वहाँ से ऐसे लटपटाई जब वो आया, आके बस खाली बैठ के इसको बोला कि जैसे तो मेरे सीने में दर्द हो रहा, मेरे को मारा। तो ये बोली किसने मारा, कैसे लड़ाई हो गई, तो इसको पूरी बात बताई नहीं कि ये तो खुद ही ऐसी है। बस इसको इसने बाम लगा के ये देखिए भाई कम्बल लपेट दूँ, कम्बल लपेटने का ही टाइम नहीं दिया, बाथरूम के साथ ही इसका दम निकल गया। पुलिस से आपने बात करी है, अभी क्या कहना है इनको? अभी ये कह रहे कानून कार्रवाई करेंगे। आप सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से मैं क्या चाहती हूँ भाई, इसको सजा दो या इसको भी वहीं पहुँचाओ, ये सजा दो। अरे ये लाचार है, ये सबको दिख रही है, इसके बच्चे हैं, उस बूढ़ी सास है, सास भी इनका पेट नहीं भर सकती, ना ये सास का पेट भर सकती है। जो पेट भरने वाला था तो इसको तो राम ने कोस लिया, करेगा कौन इसका? सरकार आंधी थोड़ी है, सरकार भी तो कुछ करेगी ना। मैं भी ननद हूँ तो मैं भी आ ही जा ही रहूँगी, मैं भी काम धंधे वाली हूँ, कोई घर बैठ के खाने वाली नहीं हूँ।
अब कल ने बच्चे बच्चे जवान होंगी, ये लड़की जवान होगी, इसका कौन करेगा, कौन करेगा। इस तरह आप भी देखिए, नाने नाने बच्चे, जवान आदमी, कमाने वाला, रोटी देने वाला गया पर इनके ऊपर माता पे हाथ कौन रखेगा। ये लाचार है, दो बच्चे इसके, अब किसको तो पापा बोलेंगे, किसको क्या बोलेगी। बुआ तेरे तुम्हारे घर पे है पापा, लेके चल मेरे को पापा के पास, लेके क्यों से पापा के पास लेके जाऊँ, पापा के पास लेके जा। पापा हो तो मैं पापा के पास ले जाके छोड़ूं भाई, मेरे घर पे चल पापा सो रहे। अब इसको तो ऐसे मैंने बोला भाई मेरे घर पे सो रहे, तो इसके तो बोई लग रही है, मेरे पापा के पास ले चल, पापा के पास ले चल। अब पापा ही नहीं, मैं कहाँ ले जाऊँ। जो कल विद्यार्थियों का आपस में झगड़े में जो हुआ वो बिल्कुल निंदनीय है। जहाँ शिक्षा के मंदिर में ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं वहाँ इस प्रकार का माहौल होना वो उचित नहीं है, तो ये वाकई में निंदनीय है और इस प्रकार की घटनाएं दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और हमारा जो देश जिस प्रकार से 2014 से विकसित हो रहा है, विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, उसी में प्रदेश भी अग्रणी पंक्ति में अब चल आ रहा है, तो ऐसे में इन मामलों में किसी को भी ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि जिन देशों ने इन जिहादियों पर ध्यान दिया या जिहाद पर ध्यान दिया, आज वो देश बर्बाद हो रहे हैं, वो पाकिस्तान हो कि बांग्लादेश हो या सीरिया इत्यादि अन्य देश हो। इसलिए हमारे को तो सबका साथ, सबका विश्वास के साथ, सबके प्रयास से विकास की ओर आगे बढ़ना है। तो सभी घटनाओं में अलग अलग बातें हैं, फिर भी आज जो जयपुर में घटना घटी है कल रात्रि को, उसकी जांच हो रही है। जांच की हम पूर्णता उसके परिवार के साथ हैं, पूरी सरकार उनके साथ है और उनकी जो भी मदद होगी पूर्णता करेंगे। अपराधी बचेंगे नहीं, एक अपराधी पकड़ा गया है, दूसरे के लिए टीम पूर्णता जा चुकी है और परिवार भी पूर्णता अभी पुलिस के उसमें है, जिससे कि कहीं कोई गतिविधि हो तो पता चले। और अपराधी को तो पकड़ा ही जाएगा, सजा भी होगी। पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार है, पूरी संवेदनाएं हैं और हम सारे प्रतिनिधि साथ हैं और जो भी उनकी मदद होगी पूर्णता सरकार भी कर रही है, करेगी और हम लोग भी सब अपने स्तर पर पूरा सहयोग करेंगे। मैंने अपनी ओर से, स्वयं की ओर से 1,00,000 रुपये उसके विकलांग पत्नी की बच्चों की पढ़ाई हेतु सेवा के लिए निवेदन किया है, मैं उसको पूर्णता दूंगा। और आगे भी बच्चे बच्चियों की सेवा में कहीं भी आवश्यकता होगी, उसके परिवार में कोई भी आवश्यकता होगी, हम सब उसके साथ हैं, सरकार पूरी उसके साथ है और जो मदद होगी उसकी पूर्णता मदद हम करेंगे। जो वाजिब होना चाहिए वो होगा, उनके साथ न्याय होगा, अन्याय होने नहीं देंगे, आप निश्चिंत रहें। सरकार उनकी स्वयं की है और यहाँ पर आम जनता की सरकार है, जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक विशेषता है कि यहाँ धुमात और तुष्टिकरण नहीं होता, यहाँ बराबर रूप से, समान रूप से सबके अधिकार की बात की जाती है। शास्त्रीनगर थाने के बाहर हम इस समय मौजूद हैं। आपको बता दें कि कल जो हादसा हुआ है उसके खिलाफ पूरा हिंदू समाज यहाँ आक्रोशित है, क्या क्या कहना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो भाई, चुप हो जाओ एक बारी। मैं कांग्रेस प्रशासन से और बीजेपी प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है और पुलिस प्रशासन से और मीडिया प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि हमारी सुनवाई 24 घंटे के अंदर अगर सही इंसान मिल जाएगा तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, अन्यथा गलत इंसान मिलेगा तो एक बात रुक के दो, मैं पुलिस वालों को भी मैं खोल के कह रहा हूँ, मुझे मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, खुद ही गाड़ियाँ संभाल के रखना, इनके तो करेंगे जो करेंगे, तुम्हारा ही बेहाल कर देंगे हम। आपसे ये जानना चाहेंगे एक बार, थोड़ा पब्लिक को समझाने के हिसाब से, जो जो क्या घटना क्या हुई थी, अब रात को क्या हुआ था। देखो मैं तो क्या हॉस्पिटल में काम करता हूँ तो मैं तो थोड़ा लेट आया था, बाकी मेरे को सिर में दर्द था, मैं 11 बजे उठ गया था तो मुझे सुनवाई ऐसी आई है कि भाई ना बाइक पे था तो मुझे बोला भाई थोड़ा आप आगे ले लो आप लगा के, अरे मैं होता था तो आप भी नहीं लगाता, आप लगा बोला तो उसको क्या बोलता है, उनको क्या बोलता है वो कि ये अब तो अखंड भारत तो घोषित नहीं होगा ये, या पाकिस्तान घोषित, इस वजह से के लिए ना उन बहने एक बार हाजू ये बोली थी कि भाई तू तो कुछ भी बोल मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे को जाने के लिए रास्ता तो दे, हम भारत में रह रहे और हमें रास्ता नहीं मिलेगा, उखाड़ देंगे एक एक को भी, चाहे से मेरी माँ ने 3 जन्म दिए मैं एक मर जाऊंगा कोई गम नहीं है, मेरी माँ ने बोल भी चुका है। कितने लोग थे वो, कम से कम 4 से 5 लोग थे और वो सिर्फ एक था, अरे बेचारा किसी को मारता नहीं था, हम तो उनके हाथों से बोलता भी नहीं था, वो गलत ही नहीं बोलता था, हिंदू है, हिंदू गाली भी नहीं बगी किसी ने, बिचनो गाली भी नहीं बगी पुलिस वाले के पास आए थे, रात को जब पुलिस वाले के पास कंप्लेंट कराने आए थे तो धमकी दी जा रही थी सीधे हो जाओ यहाँ से, नहीं तो आपको डंडे से मारा जाएगा और बिनको बाद में मारा जाएगा, पहले आपको मारा जाएगा, ये धमकी मिली थी हमें रात को, हम पब्लिक आए थे, पब्लिक को डराया जा रहा था क्योंकि आपको पहले मारेंगे, पब्लिक शराब पी के आइए ऐसे बोल रहे हैं, मान लेता दो पांच, दो एक दो लड़के पी के आ गए होंगे क्योंकि एंजॉय गेम टाइम था,
मौसम भी सब पीके आ चुके होंगे। अब मुझे आज भी हम पिए हुए क्या जो हमारे नहीं सुन रहे? अगर हम पी लिए ना तो पिए हुए ना तो कुछ भी कर सकते हैं यार, ये तो सबको पता है, कुछ कर नहीं सकते क्या भाई पिए हुआ था। आप क्या मांग कर रहे हो? आप हम मांग ये कर रहे मेरी बात सुनो, फांसी की सजा दी जाए, मेरी बात सुनो, फांसी की सजा दी जाए, मेरी बात सुनो। मैं गरीब हूँ, मैं प्याज में रोटी खा सकता हूँ, पर मेरे भाई का न्याय नहीं जा सकता मैं, क्योंकि वो एक समाज नहीं, वो मेरी, वो मेरे रोड पे रहता है तो मैं उसका भाई हूँ और वो मेरी माँ है, भाभी लगती है, वो मेरी माँ है, तो मैं ये तजा नहीं सहूँगा। मार दो मुझे, कल भी दफन करना है और आज भी करना है। मिट्टी तो सबको मिल चाहिए, पर इनको मिट्टी नहीं देने दूंगा मैं इसके जयपुर के अंदर। तो आपने, आप ये देख रहे हैं कि शास्त्री नगर थाने के सामने ये तमाम लोग खड़े हैं और इनका, इनकी एक ही मांग है कि जो भी लोग इस घटना के दोषी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सजा उन्हें दी जाए। अभी पुलिस प्रशासन से आपकी बात हुई होगी, विधायकों के साथ में, किसी भी विधायक के साथ आपकी बातचीत हुई क्या? सिर्फ हमारे को आश्वासन दिया, गाला मिली हो रही है और हमारे को आश्वासन दिया जा रहा है, बस बाकी कुछ भी नहीं। क्या आश्वासन दे रहे कि भाई हो जाएगा तुम्हारा काम, जाओ, मगर कुछ होने वाला नहीं है। हमारी सुनवाई भी नहीं होती यहाँ पे, उनके कुछ हो जाता है उनकी सुनवाई हो जाती है, तुरंत पुलिस आ जाती है। उदयपुर में कल कांड, तो उदयपुर में आश्वासन भी है, तो अपन हिंदू है, अपना भारत है, तो अपन खा जाए बच के भाई साहब। इनके एक मरा, कल क्या होगा फिर? आज एक मरा, कल मैं शिवसेना जिला प्रवक्ता बोल रहा हूँ, नरसिंह खंडेलवाल। मैं इस जघन्य अपराध की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और प्रशासन से मांग करता हूँ, या तो 24 घंटे में उनको हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, अन्य उनको फांसी की सजा दी जाए और मृतक के करीब 1 करोड़ का मुआवजा दे सरकार, अन्यथा शिवसेना को मजबूर होकर के आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उनके घर में ये लड़का ही कमाऊ था और कुछ भी नहीं था, ये जब चाहता था, जब उनका खर्चा चल रहा, जो औरत है वो बिचारी अपंग है, उसको उनका था सब कुछ लूट गया, अब वो कहाँ से खाएंगे? औरत बोल रही है मैं किसके सारे जीऊंगी, मेरा तो जो साथी था वो चले गया, मृतक को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। दे सकते क्या, इनको नहीं देंगे क्या? झूठा आसमान देके रात को पब्लिक को मारेंगे भाई? पब्लिक को ऐसे थोड़ी मारेंगे, डराओगे, धमकाओगे, मृतक को फांसी की सजा दी जाए, उससे डबल मचाएंगे। उसके घर के ऊपर आपने देखा कि यहाँ पे पब्लिक में रोष है, गुस्सा है उस घटना के खिलाफ, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब एक एक पक्ष को आप तुरंत मुआवजा दे सकते हैं, तो जो यहाँ पर एक जो हिंदू व्यक्ति की जो यहाँ पर मौत हुई है, उसके लिए न्याय के अंदर देरी क्यों नहीं? और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस का यहाँ पर झंडा यहाँ पर जलाया गया है, कांग्रेस पार्टी का, यहाँ पर तमाम लोग आक्रोशित हैं। क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे हमारे हिंदू, हमारे यहाँ पे जयपुर शहर के अंदर पलायन होया जा रहा है और हिंदुओं को बेवजह मारा जाता है, यहाँ पे हमारी बहन बेटी को सड़कों पर छेड़ा जाता है। तो पुलिस प्रशासन से क्या मांग क्या है? पुलिस प्रशासन कुछ भी काम नहीं करती यहाँ पे, पुलिस प्रशासन आती है, मियाँ की सुनती है फुल। और कोई मांग नहीं, फांसी की सजा दो, आज का इसके साथ एक आदमी हमारे साथ भी हो सकता है, यहाँ सा कोई भाई बहनों के साथ हो सकता है। यहाँ पे भगवादारी मुख्यमंत्री की जरूरत है, योगी आदित्यनाथ जी का पंजा चलना चाहिए, पीला पंजा राजस्थान। जब रात को बारिश आ रही थी, जब हम लेडीज से जेंट्स जो थाने पे धरना देने आए, तो लेडीजों को जेंट्स को ये कहा जा रहा कि शराब पी के आ रहे, रात को 3 बजे शराब कहाँ से मिलेगी? एक मिनट शांति करो, रात को 3 बजे शराब कहाँ से मिलेगी? क्या ये भी कुछ शराब लगा रहे थे हमारे वो बीनों के लोग अंदर बैठे थे, हम बाहर खड़े थे, इनके लोग हो जाती है। औरतों को तक बोल रहा है तुम शराब पी गए हो, औरतों को तक लगातार बोल रहे हैं कि शराब पी गए, लाठी चार्ज करने का नाम दे रहे, डराने का नाम दे रहे, धमकाने का नाम दे रहे, क्या हम शांति से बैठे? हमारा भाई मित्र सड़ी बारिश में भीगने और फिर क्या लाठी चार्ज करेंगे? इंसान भाई साहब वापस नहीं आएगा, हमारा इंसान वापस कैसे आएगा? भाई के साथ ऐसा हो सकता है, किसी के भी साथ, आज इसके साथ होगा तो हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। आप करो एक्शन, आप करोगे हमारे साथ, आप हो। आपने देखा कि तमाम जो लोग, जो स्थानीय लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि इंसाफ तुरंत मिलना चाहिए। और कल को एक जने के साथ में ये हादसा हुआ है, कई लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि कल को किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है, और न्याय तुरंत दिलाने की ये मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये आक्रोशित हैं, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानना क्या 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 कहना चाहते हैं? खून का बदला, खून चाहिए हमारे को, जैसे इसको हमारे जैसे चाहिए, गोली मारो इनको, साले को फांसी लगाओ, हमारे बच्चों को मारा है फांसी लगा दो, हम फैसला यही चाहते, खून के बदले खून चाहिए हमारे को, तो खून के बदले।
आपने देखा कि तमाम महिलाएं और पुरुष यहां पर जो मौजूद हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इंसाफ की ये मांग कर रहे हैं और बहुत आक्रोशित ये भीड़ है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से शास्त्री नगर थाने के सामने यहां पर ये जो जुलूस के फॉर्म में एक प्रकार से यहां पे तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के खिलाफ ये आवाज़ उठा रहे हैं। और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि रात को जब ये लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे तो इनके ऊपर तमाम तरह के गलत आरोप लगाए गए और साफ साफ तौर पर इनका ये कहना है कि महिलाओं और पुरुषों को रात को 2:30-3 बजे ये कहकर भगा दिया गया कि ये लोग शराब पीकर आए हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी। क्या क्या आरोप लगाया हमारे ऊपर? ऐसे लगाया हम शराब पी के आए, ऐसे बोल रहे हैं ये पुलिस वाले, और ऐसे बोल रहे हैं हार्ट अटैक से मर गया। हार्ट अटैक से मरा तो उसका सिर कैसे फूटा? वो कावटिया के अंदर पड़ा, जख्मी कैसे हुआ? इन लोगों ने मारा होगा, फिर इन्होंने मारा होगा, जब तो ये बोल रहे हैं। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप स्थानीय लोग यहाँ पर पुलिस प्रशासन के ऊपर भी लगा रहे हैं। और साफ तौर पर एक बात जो यहाँ पर निकल कर सामने आई है कि तमाम लोग आक्रोशित हैं उस घटना से लेकर, और इनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि इंसाफ तुरंत मिलना चाहिए, इंसाफ में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए, जो भी उचित मुआवजा हो उस परिवार को मिले। अकेला लड़का वो कमाने वाला था, उसके घर में जो महिला है वो अपाहिज है, और जाहिर सी बात है कि इस प्रकार का दुख और गुस्सा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं शास्त्री नगर थाने के सामने घेराव इन लोगों ने कर रखा है। और इनकी साफ तौर पर ये मांग है कि जिस प्रकार से एक समुदाय के किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, उसके साथ कोई हादसा होता है, उसे तुरंत मुआवजा मिलता है, तुरंत उसे सहायता मिलती है, तो फिर हमारे समाज के व्यक्ति के साथ में इस प्रकार का अन्याय क्यों? घटना को करीब 10 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, अपराधी हालांकि एक अपराधी अभी पकड़ में आ गया है, कहा जा रहा है कि पुलिस अन्य जो और अपराधी हैं उनके खोजबीन में लगी हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द न्याय हो, जो भी इसके अंदर दोषी हो उन्हें तुरंत पकड़ा जाए और उचित न्याय मिले और परिवार को उचित मुआवजा या फिर जो भी सहायता न्यायोचित हो सकती है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो उस परिवार को मिलनी चाहिए। सोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।